पब्लिक हो गई। और यहाँ पे हमारे बीच आ चुकी हैं आई आर्ट्स कैफे। स्वागत है मेरी लाइव में आप सबका, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच आ चुकी हैं संगीता नेगी और बहुत बहुत स्वागत है सरिता बहन। और सुनाओ कैसे हो, लाइक टर्न कर देना बहन, जो भी है कमेंट करते रहो कमेंट करते रहो। सरिता जी खाना हो गया आपका रात का? हेलो सरिता जी खाना हो गया आपका? हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। और हमारे बीच आ चुके हैं देवभूमि जी, जोशी भाई आ चुके हैं। हेलो अंजलि जी कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ भाई, आप सुनाओ आप कैसे हो? और उत्तराखंड में मौसम कैसा हो रहा है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? लाइक टर्न कर देना भाई। कर लिया मैंने खुद, कॉलर चल गया ना, चालू करा वो तो चालू हो जाए सी ना, कोई ना। और जोशी भाई कैसे है? जोशी भाई कह रहे हैं उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है अभी। अच्छा भाई, हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। और सरिता जी आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है सरिता जी आपका। और आज हम कुछ जल्दी ही आ गए हैं। हाँ बहन, अभी ही चालू की है मैंने भी। और सुनाइए सरिता जी, आपके उत्तराखंड में मौसम कैसा हो रहा है? और हमारे जोशी भाई भी उत्तराखंड से हैं, अगर न्यू हैं तो एक दूसरे को फ्रेंड बना लीजिए, एक दूसरे के घर जाइए। और हमारे बीच आ चुकी हैं भजन की दुनिया, हंस रही हैं। आज भी आएंगे विजेंद्र भैया के, राजेंद्र भैया मैं तो उनका नाम ही भूल गई। और भजन की दुनिया बहन आपका स्वागत है मेरी लाइव में, बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। और लाइक डन कर देना बहन, लाइक डन नहीं किया हो तो। और हमारे बीच में ये कौन है भाई, तेरा नाम पढ़ो। गिनेश्वर, गिनेश्वर, हेलो गिनेश्वर भाई, स्वागत है मेरी लाइव में आपका। बोल रहे हैं हाय सर, भैया मैं सर नहीं हूँ मैडम हूँ। और सरिता जी बोल रही हैं कैसे हो यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब फैमिली बताओ कैसे हैं सब? बहुत अच्छे हैं। और जोशी भाई बोल रहे हैं मेरे चैनल को भी सपोर्ट करेंगी कि कृपया करें, बताओ भाई कैसे सपोर्ट करें, जो हम पे होगा बिल्कुल करेंगे। और वीडियो तो मैं आपकी देखती हूँ। और भजन की दुनिया बोल रही हैं रंजीत भैया हैं, अच्छा हाँ मैं बोल तो रही थी रंजीत हैं जन विजेंद्र थे। और यहाँ पे गिनेश भाई लाइक कर दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई लाइक डन करने के लिए। और सुनाइए आप सबका रात का खाना हुआ कि नहीं हुआ? जोशी भाई खाना हो गया आपका? और सरिता जी आपका हुआ खाना, बताइए। और घर परिवार में सब कैसे हैं? और सरिता बहन बोल रही हैं खा लिया सबने खाना, अच्छा सिस्टर बहुत अच्छा रहा, टाइम हो रहा है खाना खाने का। और बच्चे ठीक हैं सरिता बहन? घर परिवार में सब अच्छे हैं? जोशी भाई हो तो कमेंट करिए प्लीज। सरिता जी कमेंट प्लीज। और यहाँ हमारे बीच आ गए हैं विपिन भाई, कैसे हैं बहन? बहुत बढ़िया हैं भाई, आप ही को याद कर रहे थे हम। लाइक डन कर देना विपिन भाई। और बताइए आपका खाना हुआ कि नहीं हुआ? जोशी भाई कहाँ चले गए, भजन की दुनिया कहाँ चले गए बहन आप? कमेंट करो प्लीज कमेंट करो। विपिन भाई हो तो कमेंट करो। और जोशी भाई बोल रहे हैं अंजलि जी थोड़ा
एक ये आता है ना जो इससे कमेंट दिखता नहीं है, ऊपर आएगा तभी दिखेगा। और सरिता जी कहाँ चले गए हो आप, खाना तो खो गया है, बर्तन साफ करने लगे क्या? थोड़ी देर हमारे साथ रहिए, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं सब, बस पाँच पाँच मिनट दे दीजिए, पाँच दस मिनट जो भी हो जाए। विपिन भाई कहाँ चले गए, कमेंट करो। हेलो भाई कमेंट करो प्लीज, कमेंट करो। अंजू जी थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम की समस्या है। अच्छा भाई, नेटवर्क की परेशानी तो हो रही होगी बिल्कुल, जब बारिश हो रही है तो। कोई बात नहीं भाई, और सुनाओ आप। और यहाँ पे आ चुकी हैं हमारे बीच नीलम दलाल। हेलो सिस्टर, कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ सिस्टर, आप सुनाओ आप कैसे हो? विपिन भाई कहाँ चले गए? विपिन भाई हेलो, और सुनाइए बच्चे कैसे हैं? नीलम और जो बोल रहे हैं, और घर परिवार में सब कुशल मंगल हैं? अच्छा भाई कुशल मंगल हैं, बहुत अच्छी बात है। और स्टीम थैंक्स फॉर द। और नीलम जी खाना हो गया आपका? नीलम खाना हो गया आपका? विपिन भाई कहाँ चले गए? और बोलो कमेंट करो कमेंट। और नीलम बच्चे क्या कर रहे हैं? खाना हो गया नीलम? विपिन भाई तो एक कमेंट करके कहाँ भाग गए? कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता जी बोल रही हैं आज आपने मौन व्रत करो, मौन व्रत करो, आज आपने मौन व्रत। और नीलम जी कह रही हैं यस दी। क्यों सरिता जी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? मौन व्रत क्यों रखा है? मौन व्रत तो मैंने नहीं रखा, मैं तो बहुत बोल रही हूँ, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? ओके गुड नाइट, ओके गुड नाइट जी, लाइक डन कर दिया नीलम जी। सरिता जी बताइए आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, और जो भी हैं वो बताएं क्या मेरी आवाज नहीं आ रही। अंजलि जी मौन व्रत जो, अच्छा मौन वापस, नहीं जी हमारे यहाँ नहीं होता ये वाला व्रत। अच्छा व्रत की बात कर रहे हो, ये हमारे यहाँ पे नहीं होता भाई। मौन व्रत भी होगा, कोई होता होगा ना मौन व्रत भी, हमारे इधर नहीं होता ये व्रत। और भजन की दुनिया बोल रही है मनु मौन व्रत क्या होता है, हमको भी नहीं पता। भजन की दुनिया ये शायद पहाड़ों पर होता है, भाई बोल रहे हैं जोशी भाई। और हमारी सरिता बहन भी बोल रही हैं जो भी है कमेंट करें प्लीज, कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आवाज जा रही है, दीदी आ रही है, मम्मी ये बोल रही है।
और जोशी भाई बोल रहे हैं मौनी ब्रज होता है, अमावस्या होती है, उस दिन जो व्रत किया जाता है उसका फल कुछ अलग ही होता है, लाभकारी होता है। ये इनको बताएं जो आपसे कहने कि मौन व्रत चल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं भाई, हमें तो मौनी व्रत के बारे में पता नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं होता है, तो बताने का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी सरिता जी आ गई हैं, सरिता जी बोल रही हैं अभी तक पता नहीं क्यों क्यों रहती हैं, अब आ गई हैं, क्या आ गई हैं पता नहीं। अच्छा अभी तक पता नहीं क्यों आ रही थी, अब आ गई है। अच्छा आवाज़ नहीं आ रही थी, कभी कभी नेटवर्क की वजह से होता होगा बहन। और सरिता जी बोल रही है शायद नेटवर्क की दिक्कत आ रही है उसकी वजह से। हाँ अब सरिता बहन हंस रही है बहुत जोर से। हंस लो खून बढ़ाओ, सब हंसो जोर जोर से हंसो। और जो सिवाई हो तो कमेंट करिए, सरिता जी कमेंट करिए, विपिन भाई भी भाग गए, नीलम जी भाग गई, सब भाग गए मुझे छोड़ के, जो है वो कमेंट करिए प्लीज। जोशी भैया हो तो प्लीज कमेंट करें, कमेंट करें जोशी भैया जी के कमेंट करें। सरिता जोशी भैया आपके लिए ओल्ड हैं क्या? ओल्ड हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो ज्वाइन कर लीजिए एक दूसरे को, एक दूसरे के घर जाइए, फ्रेंड बनाइए। कहाँ गए सब? मुझे लगा सबको नींद आ गई है, सब चले गए हैं, जोशी भैया भी चले गए हैं। सरिता जी जोशी भाई आपके लिए ओल्ड हैं? खाना नहीं खाया क्या? नहीं खाया खाना। कहाँ गए सब? सब लगता है खाना खाने चले गए हैं। भाई जो भी है कमेंट करें ना प्लीज, कमेंट करें कमेंट। और हमारी सुनीता सिस्टर आ चुकी हैं, स्वागत है सुनीता बहन आपका मेरी लाइव में, सब को नमस्ते कर रही हैं हमारी सुनीता बहन। और सुनीता बहन खाना पहुंचा भी आपके घर तक? नहीं पहुंचा, बताइए मुझे खाना पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और सरिता जी बोल रही हैं भैया रिटर्न कर लूंगी, जोशी भैया चिंता मत करो, जोशी भाई तो चले गए शायद से। सरिता जी मुझे पता नहीं है क्योंकि उनका कमेंट नहीं आ रहा। और हल्दी नमक बहन सुनीता बोल रही हैं खाना बना रही हूँ, अभी तक खाना पहुँचा नहीं है ना घर, जो मैंने भेजा था सुनीता बहन, इस वजह से खाना लेट हो गया, तो आप बनाने लगी। और हल्दी नमक सबको हाय बोल रही हैं, हाय ले लीजिए सब। हाय हाय हेलो। और सुनीता बहन हंस रही हैं, खाना नहीं पहुंचा ना इसी वजह से हंस रही आ रही है ना सुनीता बहन। हाँ शायद लेट हो गया रास्ते में, किसी ने पकड़ लिया होगा, खा गया होगा कोई, मैंने तो बहुत सारा भेजा था। और सरिता जी भी हंस रही हैं, हंसो 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 खून बढ़ाओ खून बढ़ाओ। और सुनीता बहन क्या बना रहे हो खाने में?
कमेंट करो प्लीज। सुनीता बहन क्या बनाया है खाने में आज, यम्मी यम्मी। और रक्षाबंधन पे स्पेशल क्या बनने वाला है, कल बताया तो था, पता नहीं क्या बताया था। बारिश में जाम लग गया होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सरिता बहन, पर हमारे इधर तो बारिश भी नहीं है ना, वैसे ही ऑलरेडी ट्रैफिक इतना है। आपके उत्तराखंड में तो चलो बारिश हो रही है, हमारे यहाँ पे धूप निकली हुई है कड़ाके वाली। और प्रेमी नेगी आ चुके हैं हमारे बीच, स्वागत है भाई बहन जो भी है आपका, मेरी है लाइव में, नमस्ते कर रहे हैं बहन, सबको नमस्ते कर रहे हैं। हमारे प्रेमी नेगी आए हैं बहन भाई हो। और सरिता नेगी वो बोल रही हैं अभी वो करछी ही घुमा रही हैं शायद। अच्छा हाँ लग रहा है सही। और प्रेमी नेगी सबको हाय बोल रहे हैं। और सुनीता बहन बोल रही है बना रही हूँ। ओके सुनीता बहन आप बना लीजिए रोटी, खाना खा लीजिए। और प्रेमी नेगी स्वागत, लाइक डन जरूर कर देना, भाई बहन हो भाई हो जरूर बताना। और हमारी सरिता जी बोल रही हैं यहाँ दो दिन से अंदर ही पैक हो गए हैं बारिश की वजह से। हाँ ये तो होगा, बारिश पड़ेगी तो कहाँ जाना होगा इंसान का। और हलसुनीता बहन बोल रही हैं मोबाइल है, मोबाइल चार्जिंग में है। अच्छा जी कोई बात नहीं है, चार्ज कर लीजिए, बैटरी ख़त्म हो गई है चार्जर की उसकी मोबाइल की। और प्रेमी नेगी बोल रही हैं सरिता नेगी से जुड़ी हूँ। अच्छा जी फिर तो आप सिस्टर होंगी ना, क्योंकि डीपी में मुझे सिस्टर नज़र आ रही हैं। जोशी भाई चले गए बिना बताए ही। हाँ जी प्रेमी नेगी बोल रही है हाँ जी। अच्छा जी सरिता नेगी से मैं तब जुड़ी थी रश्मि जी के, रश्मि आसवाल आपकी ननद है ना सरिता जी, उनका उनका वीडियो देखा था, उनके वीडियो में आप आए थे तो मैंने आपको ज्वाइन किया था। पहले वो पहाड़ी में ही सारी वीडियो बनाती थी, फिर मैंने उन्हें कमेंट करा कि पहाड़ी में मत बनाओ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, सिर्फ पहाड़ी ही समझ पाएंगे आपकी भाषा को, तो फिर उन्होंने हिंदी में बनाना शुरू कर दिया था। अच्छा बनाती हैं वो भी, अच्छी लगती है उनकी वीडियो भी मुझे। और सरिता जी बोल रहे हैं हम दोनों एक ही जगह से पौड़ी गढ़वाल से हैं। अच्छा जी प्रेमी नेगी और सरिता नेगी, हाँ सरनेम दोनों का सेम है। अच्छा जी पौड़ी गढ़वाल से हो, उधर कोई सरिता जी बताइए ट्रैक वगैरह है आपके इधर उधर कहीं, वो तो हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। और सरिता नेगी जी बोल रही हैं हाँ दीदी। अच्छा जी और हमारे बीच आ चुकी हैं अनजान किचन, हंस रही हैं, स्वागत है अनजान किचन आपका मेरी लाइव में बहन, बहुत ही दिल से स्वागत है, लाइक डन कर देना, जिन्होंने भी लाइक डन कर देना। अनजान किचन मुझे भेज रही हैं और सरिता नेगी बोल रही हैं मैंने भी इसलिए पहाड़ी में नहीं बनाया ब्लॉग। हाँ क्योंकि पहाड़ी लोग ही समझ पाते हैं ना, हमें तो आती नहीं है पहाड़ी भाषा, तो हम तो हिंदी में, मैं उनका वीडियो फिर भी देखती थी, फिर कमेंट करती थी, कई बार कमेंट किया, फिर उन्होंने फिर शुरू किया, फिर उन्होंने मेरा नाम भी लिया था, फिर बताया था मेरे बारे में भी बोल रही थी, फिर उन्होंने हिंदी में ही ब्लॉग बनाना शुरू किया। और किच अनजान किचन सबको राम राम कर रही हैं भाई, सब राम राम ले लीजिए। और हमारी अनजान किचन बोल रही हैं राम 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 जी राम राम।
और जो भी नए हैं एक दूसरे को ज्वाइन कर लीजिए, सरिता जी अनजान किचन को ज्वाइन कर लीजिए, ये भी बहुत अच्छी हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। और सरिता जी आप हैं तो सुन लो मेरी बात, अनजान किचन जी को ज्वाइन कर लीजिए, एक दूसरे को फ्रेंड बना लीजिए। अनजान किचन अगर आप हैं तो आप बना लीजिए, कोई भी बना लीजिए, एक दूसरे को तो बनाना ही होगा। हमारी प्रेमी नेगी बोल रही हैं आप लोग मुझे भी सपोर्ट करेंगे, वीडियो देखना है। हाँ जी बिल्कुल करेंगे जी, हम तो जिसे भी सपोर्ट करते हैं दिल से करते हैं, कोई हमें करे या ना करे। और सरिता जी बोल रही हैं सबको मेरा राम राम, राम राम जी, अनजान किचन ऑन है ऑन है। हाँ जी सबको सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे, एक ही फैमिली के मेंबर हैं हम सारे, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। और यहाँ पे अनजान किचन ऑन है ऑन है। मैं आपसे बोलती रही अनजान किचन ब्लू ले ले ब्लू ले ले, मेरा टाइम हो चुका है तो आपने शायद सुना नहीं, फिर मुझे ऐसे ही आना पड़ गया। और अनजान किचन राम राम कर रही हैं, सरिता जी बोल रही हैं ओके। और अनजान किचन राम राम कर रही हैं, अनजान किचन ऑन है ऑन है। और अनजान किचन राम राम बोल रहे हैं, प्रेमी नेगी हाई कर रहे हैं सबको, एक दूसरे को फ्रेंड बना लीजिए। प्रेमी नेगी आप भी जुड़ जाइए अनजान किचन से, अगर ओल्ड है तो कोई बात नहीं है, न्यू है तो ज्वाइन कर लीजिए एक दूसरे को। सरिता जी आप भी ज्वाइन कर लीजिए। और सरिता जी बोल रही हैं सही बोला आपने, सपोर्ट करोगे सबको। जी बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ जी, मुझे तो जो भी मुझे मतलब जिसके भी साथ जुड़ती हूँ दिल से जुड़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी पूरी करती हूँ, और कोई मुझसे जुड़ो या ना जुड़े पर मैं सबके साथ रहती हूँ। और हमारी अनजान किचन ऑन है ऑन है। एक दूसरे के घर जाइए, सपोर्ट करिए एक दूसरे को। सरिता जी आप ज्वाइन कर लीजिए, सबको बोल रही हूँ मैं तो भाई, प्रेमी नेगी आप भी जुड़ जाइए एक दूसरे से, वो तो दोनों जुड़े हुए हैं अनजान किचन, आप ज्वाइन कर लीजिए। और सरिता जी बोल रही हैं वो साथ में वीडियो भी देखें, सिर्फ सपोर्ट करने से काम नहीं चलेगा, वॉच टाइम भी तो चाहिए। बिल्कुल सरिता जी आप भी लाइव करना शुरू कर दीजिए, तभी वॉच टाइम बढ़ेगा। और लाइव में बोलना नहीं है वॉच टाइम और WT बोलना है, नहीं मैसेज लिखना है वॉच टाइम का, ये एक मतलब YouTube के खिलाफ है, तो वॉच टाइम नहीं लिखना है, नहीं सब्सक्राइबर बोलना है। और रूपा नैन आ गई हमारे बीच, स्वागत है बहन, हाय कर रही हैं मेरी लाइव में आपका। और सुनाइए खाना पीना हो गया, रूपा का तो हो गया होगा आपका। और अनजान किचन ऑन है ऑन है। और सरिता जी बोल रही हैं बहुत जल्द करूँगी, हाँ एक टाइम फिक्स रख लेना, फिर उसी टाइम पे करना, ऐसा रखना कि जो सबको टाइम मिले, मुझे भी, मुझे तो शाम के टाइम तो देखो बिल्कुल टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि मैं भी अपने मैं काम सारा निपटा के तभी बैठती हूँ, तो दोपहर का लेना सरिता जी, तो मैं भी पूरा टाइम दूँगी आपको। और रूपा नैन बोल रही हैं हाँ जी हमारा खाना हो गया। अच्छा जी बहन बच्चे क्या कर रहे हैं, सो गए कि नहीं सोए? और रूपा नैन क्या बनाया आज खाने में? सरिता जी बोल रही हैं ठीक है दीदी, हाँ बस लाइव का टाइम ऐसा रखना कि शाम के 7 बजे से फिर मैं 9 बजे तक बिजी रहती हूँ, 7 बजे तक रहती हूँ, उससे बाद पहले ही मतलब 4:30 बजे से मेरा काम स्टार्ट होता था किचन का, चाय वाय बनानी, बर्तन वर्तन साफ करने, सब्जी वब्जी लाना, सब्जी वब्जी बनाना, फिर तो मैं 9 बजे तक ही फ्री होती हूँ। तो दिन का रख लेना कोई भी टाइम, पूरा सपोर्ट करेंगे और जो भी होगा वो भी करेंगे।
रूपा नैन बोल रही है, दाल रोटी पनीर की भुजिया, वाह मुंह में पानी आ रहा है बहन खाने के लिए। वैसे तो मैं खा चुकी हूँ, आज मैंने भी पनीर ही बनाया था, हमने दोनों ने सेम सेम बनाया, पर मैंने दाल नहीं बनाई है। और जो भी है कमेंट करें प्लीज, जल्दी जल्दी कमेंट करें। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक करें, लाइक नहीं आ रही है, लाइक पूरी नहीं है, जितने लोग हैं कम आ रही हैं लाइक। और रूपा ने लाइक कर देना, और सरिता बहन बोल रही हैं ओके जी धन्यवाद सपोर्ट के लिए। हाँ जी बिल्कुल धन्यवाद जी, आप सब मुझे भी सपोर्ट करें, मैं भी ज़रूर करूँगी आपको। रूपा नैन बोले कोई बात नहीं, एक बार और खाना हो जाए। नहीं बहन, बस जो खा लिया सो खा लिया, अब तो सुबह ही खाया जाएगा दोपहर में। रूपा नैन लाइक कर दी क्या, बताओ लाइक कर दी, लाइक कम मिली है मुझे, लोग ज़्यादा हैं लाइक कम हैं। और जो भी हैं कमेंट करते रहिए, कमेंट करो प्लीज़ कमेंट करो। सरिता जी आप चले गए, और अनजान किचन आप भी चले गए क्या, और हमारी सुनीता बहन हाय कर रही हैं, सुनीता बहन ऑन हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता बहन ऑन रखने के लिए, रोटियां बन गई आपकी। और हमारी सुनीता बहन बोल रही हैं पहले बोलते अब तो पेट की जगह हर नहीं चर्बी बची, जगह नहीं बची। हाँ जी बिल्कुल, दिन में होता था घूम घूम के खा भी लेते, अब तो रात को सोना है पचेगा भी नहीं। और सरिता जी हंस रही हैं, हाँ। और सुनीता बहन बोल रही हैं लाइक, और रूपा बहन बोल रही हैं हो गया मेरा लाइक। आवाज आ गई मुझे, कमेंट करो भाई कमेंट करो। सरिता जी हंस रही हैं, हंसो हंसो भाई हंसो, खून बढ़ाओ, हंसो, हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमारे प्रेमी नेगी भी शायद चले गए हैं। पम्मी पम्मी अच्छा, तो बताया क्यों ना, मैं तो प्रेमी प्रेमी करे जा रही। अच्छा पम्मी जी आ गई हैं अनजान किचन को, अनजान किचन को हाय बोल रही हैं। अनजान जी कहाँ हो आप, चले गए क्या, अनजान बहन कहाँ हो। और सरिता जी बोल रही हैं हम तो घूम भी नहीं सकते, बारिश बोल रही है बाहर मत जाओ आराम करो। हाँ जी बहुत बढ़िया है, बारिश में आराम करने को तो मिले नहीं, तो बाहर घूमते रहो काम करते रहो, बारिश में खाओ पियो अंदर रहो, अच्छे अच्छे डिश बनाओ, पकौड़े बनाओ, हलवा बनाओ, पूड़ी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, खाओ पियो मौज लो। और रूपा नैन बोल रही है और मन्नू का स्कूल कैसा चल रहा है, मन्नू का स्कूल ऐसा चल रहा है जैसे हाईवे पे गाड़ी चलती है ना बिना एकदम रफ्तार से, ऐसा चल रहा है बहन। और रूपा नैन बोल रही है और बहन आजकल आज का दिन कैसा गया, आज का दिन बहुत सर में दर्द था आज का दिन। और पम्मी जी बोल रही हैं बहुत बारिश हो रही है, हाँ बहन थोड़ी सी इधर भेज दो तो बारिश को, हमारे यहाँ पे भेज दो, बिल्कुल भी बारिश नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। कहाँ से
मम्मी जी को मैंने शायद ज्वाइन तो कर रखा है, शायद मैंने बहुत पहले किया था, वीडियो भी देखी थी पहले, देखती हूँ दोबारा से चेक करती हूँ। और सरिता जी बोल रही हैं आज रंजीत भाई कहाँ चले गए, वे कल ही आए थे और कल ही गायब हो गए। आपको रिटर्न किया कि नहीं किया सरिता जी बताइए। सरिता जी बोल रही हैं भजन बहन भी गायब हो आई नहीं। हाँ भजन बहन भी देख दो कमेंट किया था, पता नहीं कहाँ चली गई, वो भी गायब हो गई। आज सब गायब हो गई, पता नहीं संडे है तो आज सब गायब हो गए। चलो तो मैं भी थोड़ी देर और रहती हूँ, मैं भी बंद कर देती हूँ, ब्लॉग नहीं बन पा रहे ना इस वजह से, मैं चलो थोड़ा लाइव ही कर लेते हैं, हाल चाल हो जाता है थोड़ा सा। और सरिता जी बोल रही हैं दीदी ले जाओ हमें नहीं चाहिए ऐसी बारिश। बहन मैं आऊँगी इतनी दूर, आप ही भेज दीजिए ना, हवा के झोंके से भेज दीजिए इधर। और सरिता जी बोल रही हैं कर लिया अच्छा। रूपा रैन मोजी भेज रही हैं, और पम्मी जी बहुत ज़ोरों से हंस रही हैं, हंसो हंसो बहन हंसो, बहुत ज़रूरी है हंसना भी। वैसे तो नहीं हंसते, चलो लाइव में ही हंस लेते हैं एक दूसरे से बातें करके। पम्मी जी मैं आपको चेक करूंगी, आपके ब्लॉग चेक करूंगी, देखूंगी, वॉच करूंगी। और सरिता जी हंस रही हैं, हंसो जी हंसो। और सरिता जी बोल रही हैं डीएम का ऑर्डर एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, कल की छुट्टी है। कल की छुट्टी है, कल की तो नहीं है, 15 की है ना छुट्टी, तो खाने का ही काम खत्म नहीं होता, सबसे पहले तो खाने का ही टाइम नहीं रहता किसी का। और रूपा नैन तनिष क्या कर रहा है, और हमारी पम्मी सिस्टर बोल रही हैं हम तो बारिश से परेशान हैं। अच्छा जी सच में, कहीं तो इतनी हो रही है बारिश, कहीं हो ही नहीं रही है, हमारे इधर हो ही नहीं रही है बारिश, और पहाड़ों पे इतनी बारिश हो रही है। सरिता नेगी आपका घर और पम्मी जी का घर आसपास है क्या? वापस ऑफिस ले जाना। हाँ ले जाना। करिए करिए जी कमेंट, करिए जी कमेंट करिए। और सरिता जी बोल रही हैं यहाँ तो बारिश ने ऑर्डर दिलवा दिया है। अच्छा, और हंस रही हैं सरिता जी बोल रही हैं हमारे पहाड़ों में बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ बहन नुकसान तो हो रहा होगा, लैंडस्लाइड हो रही होंगी, रास्ते बंद हो गए होंगे, परेशानी तो है ही बारिश से। और उपनयन बोल रही टीवी देख रहा है अपनी दीदी के साथ। अच्छा जी, सरिता जी पम्मी जी आपकी आसपास रहती हैं क्या?
हमें तो पहाड़ इतने अच्छे लगते हैं, पहाड़ लोगों को पहाड़ी पहाड़ अच्छे नहीं लगते, प्लेन ज्यादा अच्छे लगते हैं, हमें पहाड़ अच्छे लगते हैं। बारिश के मौसम में खतरा तो रहता ही है पहाड़ों पर। और मनाली में देख लो क्या हाल हुआ है, बहुत बर्बाद हुआ हर चीज, घर बार सड़क सब कुछ, लोगों के मतलब रोटी रोजगार बंद हो गए हैं। यस 24 घंटे लाइव हिमाचल और सरिता जी बोल रही है नहीं हम तो देहरादून रहते हैं। अच्छा आप देहरादून में हो, कभी कभी जाना होता है। अच्छा तो आप देहरादून में रहते हो, ओके जी ओके। बना तो रखा हमने भी मसूरी और सूर्य आने का प्रोग्राम, देखते हैं कब बनता है। और देहरादून में रूम रूम कितने का मिलेगा सरिता जी, अगर रूम लेंगे तो रूम कितने का मिलेगा? कमेंट करें प्लीज, कमेंट करें कमेंट। और सरिता जी कह रही हैं आजकल सब जगह पहाड़ों पे ऐसे ही हो रहा है। हाँ बहन, सरिता जी बोल रही हैं किराए पर, हाँ जैसे हम आएंगे एक दो दिन के लिए, एक दिन का क्या पड़ेगा किराया, कोई सस्ता सा जुगाड़ हो तो बताना, होम स्टे वगैरह हैं जैसे, क्योंकि वैसे तो हमने अगर टेंट वगैरह की जगह मिल जाएगी तो और बेस्ट होगा। रूपा नैनिया कह रही हैं समान जमीन पर भी खतरा है, खतरा होता है बारिश तो इस बार दिल्ली में देखा है। समान जमीन पर बोल रही हैं। और सरिता जी बोल रही हैं यहाँ घूमने के लिए आओगे, उस लिए किस चीज के लिए? घूमने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए ना आएंगे, जैसे 3 दिन का हो गया, 4 दिन का हो गया, 5 दिन तक, 4-5 दिन तक, मतलब उससे ज्यादा तो नहीं रुकेंगे। अच्छा सरिता जी बोल रही हैं ऐसे तो मालूम नहीं क्योंकि हम कभी ऐसे गए नहीं। अच्छा और यहाँ पर हमारे महेश भाई आ चुके हैं, स्वागत है आपका मेरी लाइव में, और लाइक कर दी है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई लाइक करने के लिए। और महेश भाई बोल रहे हैं अंजलि बहन नमस्ते, नमस्ते भाई, और सुनाइए महेश भाई आप कैसे हो। और सरिता जी बोल रही हैं आप अपना रेट है सब लोगों का होम स्टे के हिसाब से ही है। हाँ ये तो हो गई, जैसे कहीं आपकी जान पहचान वाला कोई हो, ऐसे बोल रही थी मैं। और हमारे महेश भाई बोल रहे हैं मैं ठीक हूँ। और महेश भाई आपका खाना पीना हो गया, क्या बनाया है आज खाने में? और गुजरात में बारिश हो रही है भाई, हमारी सरिता जी बोल रही हैं कि उत्तराखंड में बारिश हो रही है, क्या गुजरात में भी बारिश हो रही है? हमारे यहाँ पे बारिश नहीं है। और हमारे महेश भाई बोल रहे हैं खिचड़ी सब्जी रोटी। अच्छा जी ये कौन सा मैच है भाई, खिचड़ी भी बनाई है सब्जी रोटी भी बनाई है,
दाल रोटी सब्जी तो सुना था, खिचड़ी सब्जी क्या बना होता है भाई? दो दो तीन तीन आइटम बनाए महेश भाई ने हैं भाई। और महेश भाई बोल रहे नहीं बारिश नहीं है। अच्छा जी, पहाड़ों पे हो रही है बस बारिश। और महेश भाई घर परिवार में सब अच्छे हैं? पम्मी भी जी भी चली गई हैं शायद से, मुझे लगे सरिता बहन भी जा चुकी हैं। सरिता जी हैं तो कमेंट करिए। अच्छा आ गया कमेंट, आजकल बुखार ही खिचड़ी हो रही है। हाँ जी बुखार में खिचड़ी बन रही है, बिल्कुल सही बोला। अच्छा पम्मी जी भी ऑन है, पम्मी जी हाय बोल रही हैं। और सोनू भैया भी वो ऑन है, महेश भैया हमारे। गुजरात में रोटी और सब्जी और खिचड़ी रोज बनती है। अच्छा जी और हमारी सरिता जी बोल रही हैं जैसे हम खा रहे थे 10-12 दिनों से। अच्छा जी, और हंस रही हैं। खिचड़ी वैसे तो अच्छी लगती है खिचड़ी। और हमारे महेश भैया ओम ओम बोल रहे हैं, खिचड़ी वैसे तो अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत पसंद है खिचड़ी। हम मन्नू बोल रहा है बहुत दिन हो गए हमने भी खिचड़ी नहीं खाई है, कल बनाएंगे खिचड़ी मम्मी। ठीक है बना लेना, खाने का दीवाना। और सरिता जी बोल रही हैं हमारे यहाँ यही खा रहे हैं कब से, तीनों टाइम। अच्छा जी, और महेश भैया बोल रहे हैं अच्छा मैंने चलाई थी क्या, मनु वाली लाइट जला दियो। और सरिता जी बोल रही हैं बीमार की खिचड़ी किसी को अच्छी नहीं लगती। हाँ ये तो है, बीमारी में तो खिचड़ी नहीं लगती अच्छी। और पम्मी जी बोल रही हैं बहुत बारिश हो रहा है सुबह शाम। और हमारे सोनू भाई महेश भैया बोल रहे हैं सरिता जी कहाँ खाना खाने गई थी। और हमारी सुनीता बहन सबको हाय कर रही हैं। और जो भी न्यू है दूसरे को फ्रेंड बना लीजिए, एक दूसरे को ज्वाइन कर लीजिए। महेश भैया आपको के लिए यहाँ कोई न्यू है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। सरिता जी आप भी कोई न्यू है तो ज्वाइन कर लीजिए। महेश भैया न्यू है तो कर लीजिए, ओल्ड है तो कोई बात नहीं है। और पम्मी जी आप भी कर लीजिए। और हल्दी सुनीता बहन बोल रहे हैं सॉन्ग जी नमस्ते, नमस्ते कर रही हैं महेश भैया आपको। हमारी सुनीता बहन और महेश भैया बोल रहे हैं मैंने वीडियो पर देखा है सरिता जी कहीं बैठकर खाना खा रही थी। अच्छा भैया, और सरिता जी के बोल रही हैं कहीं नहीं गए थे भैया, हम घर में ही खा रहे थे बीमारों के साथ। अच्छा जी, सरिता जी कौन बीमार हो रहा है घर में? और सरिता जी बोल रही हैं ओके। रूपा नैन बोल रही हैं और सब कैसे चुप हो गए हो, पता नहीं सबका मुंह सिल गया है, मौन धारण कर लिया है, क्या है? मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने भी मौन धारण कर लिया है। और
हमारी पम्मी जी सभी को नमस्ते कर रही हैं जी, सब नमस्ते ले लीजिए। सरिता जी आपके घर में कौन बीमार चल रहा है? महेश भैया कहाँ चले गया आप? आ गए। हल्दी नमक नमस्कार। सुनीता बहन महेश भैया आपको नमस्कार कर रहे हैं। और हमारी सरिता जी बोल रही हैं, कौन सी वीडियो मंदिर गए थे वहाँ खा रहे थे, शायद आपने वही वाली वीडियो देखा है होगा। हाँ वही वाली देखी होगी। और सरिता जी सब ही हो रखे हैं और हंस रही हैं। अच्छा सरिता जी पति देव जी और भाई, अच्छा जी पति देव बीमार हो रहे हैं सरिता जी आपके? उन्हें बुखार हो रहा है या कुछ और हो रहा है? कमेंट करो। और हमारी पम्मी जी कहाँ चली गई हैं? नमस्ते करके सबको बाय बाय बोल दिया बहन। जाना हो तो बता के जाना जो भी जाए। और हमारे रमेश भैया बोल रहे हैं, सरिता जी के घर जाकर देखता हूँ कहाँ बैठकर खा रही हैं। हाँ भाई बिल्कुल जाइए और देखिए सरिता जी क्या क्या माल खा रही हैं। और सरिता जी बोल रही हैं ब्लॉग बनाया है उसका। अच्छा सरिता जी बोल रही हैं सब कुछ ही हो रहा है। अच्छा जी सब कुछ ही हो रहा है। और हमारे महेश भैया ओम 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 कर रहे हैं। और हमारी पम्मी जी हाय कर रही हैं, पम्मी जी भी ऑन है। पंखा तो चला दे इसी को तो रुक गया। पापा कंबल उघाड़ो ना यार। हाँ चल पंखा चला दे। बोल दे बच्चे शोर मचा रहे हैं ना। तुम इतने छोटे बच्चे भी ना हो जो कि इतना शोर मचा रहे हो। अभी लाइव चल रहा है। अभी देखेंगे शादी वाले। और सरिता जी जोर जोर से हंस रही हैं, हंसो बहन हंसो। और हमारे बीच आ चुकी हैं रीना बहन, लाइक डन कर दिया है। अच्छा जी बहुत बहुत स्वागत है रीना बहन आपका मेरी लाइव में। और सुनाइए रीना बहन कैसे हो आप? रीना बहन बोल रही हैं, हेलो अंजलि बहन कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ बहन, आप सुनाइए आप कैसे हैं? आपके यहाँ फिर से टमाटर लगने लगे हैं, आज मैंने देखा आपने बहुत लंबे लंबे टमाटरों की पौध लगाई है। क्या और रीना बहन बोल रही है खाना पीना हो गया आपका? हाँ बहन मेरा तो हो गया, आपका हुआ कि नहीं हुआ खाना? रीना बहन बोल रही है बच्चे तो बहुत शोर मचाते हैं बहन, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी शोर लगता है, सर में दर्द कर रखा बच्चों ने। पहले मुझे बच्चे ठीक करने पड़ते दिखे लाइव को म्यूट करके। मन्नू बहुत मारूंगी बता रही हूँ मैं।
और सरिता बहन बोल रही है हमारे लिए भी बेच दो टमाटर। अभी टमाटर लगेंगे ना तब भेजेंगी भेजेंगी बहन। अभी बहुत सारी कैरेट भेजी है उन्होंने दिल्ली, अब पहाड़ों में भेजेंगे। तो सस्ते हो रहे हैं, हो रहे होंगे सस्ते। और सरिता जी नमस्ते, प्रेम पम्मी जी सबको नमस्ते कर रही हैं। रीना बहन आपको नमस्ते कर रही है, हमारी पम्मी सिस्टर। कहाँ चली गई रीना बहन, ये री आ गई, आ गई, आ गई। और हमारी सरिता जी हंस रही है, हंसो बहन हंसो। और रीना बहन बोल रही है सब बहन भाइयों को मेरी ओर से नमस्ते, सबको नमस्ते। और सुनीता बहन बोल रही है सात बार सात बार अंदर बाहर हो रही हूँ। क्यों बहन, कमेंट के लिए परेशान ना होइए, अपना काम कर लीजिए। सुनीता बहन मैं भी अब बंद करने जा रही हूँ लाइव को। और हमारी संगीता जी सरिता जी बोल रही हैं आप का बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही ऐसे क्यों कह रहे हो। सब सब और सुनीता बहन बोल रही है एडी वॉच एड वॉच एडी एड एड तुम जाओ यहाँ से ना जाते हो। सुनो तो तुम्हारे वाले कैसे इनसे तुम्हें। और सरिता रीना बहन बोल रही है हमने खाना खा लिया है सिस्टर, सोने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी बहन टाइम भी हो चुका है सोने का, और आप तो सुबह जल्दी भी उठते हो, तो सो जाइए आप रीना बहन। और सुनीता बहन सबको हाय कर रही हैं। संगीता सरिता जी सबको नमस्ते कर रही हैं, सब नमस्ते कर ले लीजिए सरिता जी की, सुनीता बहन की। कल से मैं करूँगी ना, ठीक है। अरे मैंने तो कुछ बोला थोड़ी ना, तुम शोर मचाओ बहुत ज़्यादा, मचाओ शोर। और हमारे बीच आ गए हैं दिनेश भाई। दिनेश भाई स्वागत है आपका मेरी लाइव में। और सुनाइए भाई, लाइक डन कर देना फुल एड वॉच। बाबा रे बाबा, अच्छा भाई फुल वॉच करके आए हो एड को, बहुत बहुत धन्यवाद है दिनेश भाई। और दिनेश भाई बोल रहे हैं लाइक डन कर दिया है, लाइक डन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। और मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने जीवन की खुशियां बटोरते थे रहे भगवान ने मेरे यही। हाँ भाई सही बात है, खुशियां तो हैं ही। और दिनेश भाई बोल रहे हैं अंजलि श्रेष्ठा जी राम राम, राम राम भाई। और दिनेश भाई आपका खाना हो गया, बताइए दिनेश भाई आपका खाना हो गया। और सरिता जी बोल रहे हैं बच्चों ने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, अच्छा जी। और हमारे रमेश भाई नमस्ते कर रहे हैं, सरिता जी बोल रहे हैं बहुत सपोर्ट करते हैं, हाँ जी। और हमारे रमेश भाई बोल रहे हैं सरिता जी ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा जी। ज्वाइन कर लीजिए, मैं इसे बंद कर दूँ, तुम शोर मचा लो लो ना, तुम कर लो जो भी तुम्हें करना है। हाँ इधर पिटाई मांग रहे हैं सारे के सारे। और हमारे रीना बहन बोल रहे हैं सौ जी कल मैं आपको ज्वाइन किया था, प्लीज़ रिटर्न मी। महेश भैया आपने रीना बहन को रिटर्न नहीं किया तो प्लीज़ भाई रिटर्न कर देना, बहुत प्यारी सी सिस्टर है हमारे। महेश भैया भी बहुत अच्छे हैं, रीना सिस्टर वो रिटर्न कर देंगे, शायद वो भूल गए होंगे। महेश भैया आप रिटर्न कर देना रीना बहन को। और महेश भैया बोल रहे हैं रिटर्न करता हूँ। और हमारे दिनेश भाई बोल रहे हैं हाँ खाना या, अच्छा जी।
और दिनेश भाई, महेश भाई, राम राम, राम राम कर रहे हैं महेश भाई, दिनेश भाई आपको राम राम ले लीजिए। और सरिता जी बोल रही हैं ओके, रीना बहन बोल रही हैं सरिता जी आपके घर जा रही हूँ, ओके जाइए जी, जाइए एक दूसरे को ज्वाइन कर लीजिए और सब एक दूसरे को रिटर्न भी कर दीजिएगा याद से। और रीना जी और दिनेश भाई बोल रहे हैं ओके। ओके ऑन हूँ अंजलि सिस्टर, अच्छा भाई बहुत बहुत धन्यवाद ऑन रखने के लिए, सरिता जी बोल रही हैं आ जाओ। रीना बहन हिमाचल से हैं सरिता जी। और हमारे बीच हमारी पम्मी आ चुकी हैं, मुझे भी सपोर्ट करवाना। हाँ जी बिल्कुल कर लेंगे तुम्हें भी सपोर्ट भाई, जो भी है दिनेश भाई आप पम्मी जी को भी ज्वाइन कर लीजिए, एक दूसरे को फ्रेंड बना लीजिए जो भी न्यू है। और सरिता जी बोल रही हैं आप सब लोग का स्वागत है हमारे घर, अच्छा जी। कमेंट करिए कमेंट, दिनेश भाई कहाँ चले गए आप। एक दूसरे को ज्वाइन करने गए हैं शायद। महेश भैया कहाँ चले गए आप, रिटर्न करने गए हो रीना बहन को, चलो करके आइए उनको डन। सरिता जी बोल रही हैं अच्छा। जो भी जाएं बता कर जाएं और बिलू दे के जाएं। कमेंट कमेंट कमेंट, रमेश भैया मैं हूँ, अच्छा जी आप हो महेश भैया। रीना बहन को कर दिया आपने रिटर्न। और सरिता जी बोल रही हैं और आजकल ब्लॉग नहीं बना रही दीदी। हाँ नहीं बना पा रही हैं ब्लॉग, तो तभी तो लाइव आ रही हूँ, बस बनाएंगे देखते हैं, यही सोचते रहते हैं क्या बनाएं, समझ में नहीं आ रहा। चलो तो मैं भी अब अपनी लाइव को बंद करती हूँ, गुड नाइट बोलती हूँ आप सभी को, कल फिर मिलेंगे। और सबको मैं गुड नाइट बोल रही हूँ, कल मिलेंगे फिर। और पम्मी जी आ गई हैं, पम्मी जी बोल रही हैं मैं भी ब्लॉग बनाती हूँ, अच्छा जी मैं भी ब्लॉग ही बनाती हूँ, पम्मी जी बोल रही हैं ठीक है जय, गुड नाइट गुड नाइट। और सरिता जी बोल रही हैं हाँ वो तो है, कुछ नया बनाने के लिए नहीं मिल रहा है। हाँ बहन, तो सरिता जी मैं अब गुड नाइट बोल रही हूँ, कल मिलेंगे। पम्मी जी गुड नाइट, महेश भैया गुड नाइट, और हमारे बीच दिनेश भाई हैं तो गुड नाइट बोल रही हूँ, ओके बाय बाय, सबको बाय बाय कर रही हूँ।